पूरे देश में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिले के कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला जेल में बंद कैदी भाई आएंगे आगे। जिला अस्पताल प्रबंध ने जेल प्रबंध के सहयोग से कैदियों को मास्क बनाने का काम दिया है, जिसमें कि जेलर राजकुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में मास्क बनाए जा रहे हैं। कैदियों ने एक दिन में 200 से 250 मास्क तैयार किए हैं। वहीं जेल प्रबंध ने कोरोना वायरस को देखते हुए 31 मार्च तक किसी परिजन को मिलने के लिए मना कर दिया है। साथ ही प्रबंध द्वारा जेल गेट के सामने साबुन और पानी की व्यवस्था कर दी गई है। कोई भी बिना हाथ धोए अंदर नहीं आएगा। साथ ही जो नए कैदी आएंगे उनकी अलग से व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर के प्रशिक्षण के बाद ही उन्हें जेल के भीतर लिया जाएगा। न्यूज लाइफ एमपी के लिए छिंदवाड़ा से महेश चांडेकर की रिपोर्ट। ये महामारी जो इस समय विश्व में फैली हुई है, इसके लिए मास्क बहुत जरूरी है। तो श्री आरएमओ साहब दुबे साहब ने हमें आदेशित किया है कि जेल के कैदियों द्वारा मास्क बनवाए जाए, तो आज से इसका काम शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा हमें कपड़ा और धागा उपलब्ध कराया गया है और उसके एवज में बंदियों को कुछ मात्रा में पारिश्रमिक भी प्राप्त होगा। और इस तरह से हम एक दिन में लगभग 200 से 250 मास्क बना रहे हैं और उनको दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी समाजसेवी संस्थाओं ने संपर्क किया है, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा जिनसे मदद मिलेगी और उनको मास्क प्रदान किया जाएगा।